देश भर में 4 वट वृक्ष अनादि हैं, जिनमें उज्जैन का सिद्ध वट का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार श्राद्ध पक्ष 13 सितंबर से प्रारंभ होकर 28 सितंबर तक चलेंगे। इस दौरान जातक सिद्ध वट पर पितरों के लिए कर्मकांड करेंगे। देश में 4 वट वृक्ष अनादिकाल से माने गए हैं। उज्जैन का सिद्ध वट पितरों के नामित किए जाने वाले तर्पण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्मकांड किए जाते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मां बगलामुखी साधिका अर्चना सरमंजल ने बताया कि पितृपक्ष का प्रारंभ पूर्णिमा से होता है, अमावस्या पर समाप्ति होती है। उज्जैन में सिद्धवट रामघाट पर तर्पण करने का पौराणिक महत्व है। सिद्धवट रामघाट के विषय में कहा जाता है कि यहीं पर सम्राट विक्रमादित्य ने तपस्या करके अज्ञात बेताल की सिद्धि पाई थी। संसार में 4 ही वट वृक्ष हैं, जिनमें से एक प्रयागराज इलाहाबाद में अक्षयवट, दूसरा वट वृक्ष मथुरा वृंदावन में, वंशीवट गया में, बौद्धवट में सिद्धवट पर अनुष्ठान करने से 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संतति और संतृति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। पितरों में देवता माने जाते हैं, पितृ मोक्ष के लिए पूजा होता है। ये पितृ पक्ष का जो है विशेष दिन 16 दिन होते हैं, उसे कहा जिसे प्रथम दिन है पूर्णिमा। ये 16 दिन तक लोग अपने पितरों के आत्मा में यहाँ पंडाल करेंगे, यहाँ दूध चढ़ाएंगे। ये सिद्ध मठ है, माता पार्वती के हाथ का लगाया मठ है। पार्वती माता ने यहाँ पूजा किया, देवता में लगाया। उसके बाद कार्तिक का मुंडन हुआ है और कार्तिक को देवताओं का सेनापति बनाया। तब से यहाँ कार्तिक मेला लगता है और तभी से लोग यहाँ निश्चिंता लोग आते हैं और यहाँ माता के नाम से उनका स्वास्थ्य बनाते हैं और माता के वरदान से उनके यहाँ वर्ष वृद्धि होती है। उसके बाद राजा विक्रमादित्य को बैताल नाम की कार्तिक सिद्धि प्राप्त हुई। तब से यहाँ परंपरा है, कोई भी अपना क्लेश कार्य हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धंधे रोजगार, अन्य अन्य कोई भी कार्य हो, यहाँ लक्ष्मी मानते हैं और भगवान से अपनी वंदना करते हैं और भगवान उनका कार्य करते हैं। और पितृमोक्ष के लिए यहाँ दो समावसम हजारों लोग आते हैं और यहाँ दूर करवाते हैं और यहाँ पंडदान भी करते हैं। अगर पत्रिका में कहा सब लोग हो, दोष हो, अन्य अन्य कोई कार्य हो तो उस दोष से निदान के यहाँ कहा सब दोष का पूजा होता है, फिर दोष का पूजा होता है। और जो नहीं कर पाते हैं कि ऐसा समय नहीं होता है तो वो यहाँ दूर करवाते हैं और दूर करा के पितरों का मोक्ष होता है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, देश भर से श्रद्धालु आकर अपने पितरों की आत्म शांति के लिए पिंड दान और तर्पण कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र ठाकुर, NTV टाइम के लिए उज्जैन से।